শাহরুখ খানের পাঠান ছবি এটা গীতর দৃশ্য। এই গীতট দেখা গৈছিল দীপিকা পাড়ুকনে গেরুয়া বসন পরিধান করেছিল, বিকিনি গেরুয়া বর্ণ, পোশাক গেরুয়া বর্ণ। ছবির যেটা শুটিং চলি আছিল, পরিচালক অথবা দীপিকাই কেতিয়াও ভবা নাছিল যে এই পোশাকক কেন্দ্র করে বিতর্কর সূচনা হব। এটা ভারতবর্ষত এনে পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে গেরুয়া পোশাক পরিধান করাটো বিপদের কারণ হয়ে পড়ছে। কার্যত ইয়ার বাবে এটা বিপদত পড়ছে দীপিকা পাড়ুকন আর শাহরুখ খান। দীপিকা পাড়ুকনে গেরুয়া রঙের অশ্লীল পোশাক পিঁধিছে কিয়? দীপিকাই গেরুয়া রঙের বিকিনি পরিধান করেছে কিয়? গেরুয়া রঙক কেন্দ্র করে বিতর্কর মাজত শাহরুখ খানের পাঠান। এবার এই দৃশ্য চাও, সুলতানপুরের দৃশ্য। এজন সন্ন্যাসীয়ে এইদরে শাহরুখ খানের পোস্টার জ্বলাই দিছে। প্রশ্ন হয়েছে সন্ন্যাসীজনের উদ্দেশ্য কি? মা রহি হিসমে ভগবা কা অপমান কিয়া গয়া হ্যা, ভগবা হনুমান জি কা রঙ হ্যা, ভগবা সূর্য কা রঙ হ্যা, ভগবা অগ্নি কা রঙ হ্যা, ভগবা বিশ্ব শান্তি কা প্রতীক হ্যা, ভগবা সনাতন সংস্কৃতি কা প্রতীক হ্যা। ইসলিয়ে জান করকে ইয়ে জো তিন বলিউড মে জো হ্যা খান আ গয়ে হ্যা, শাহরুখ খান, সলমান খান, আমির খান, ये तीनों खान मिलकर के पूरे देश में अश्लीलता की गंदगी फैला रहे हैं और लगातार जो है तो सनातन धर्मावलंबियों की भावना को आहत कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं धर्मादेश भी जारी करता हूँ कि जिसमें किस कोई भी फिल्म में जहाँ ये तीनों खान रहें उसका बायकॉट होना चाहिए और जो भी भगवा का अपमान करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस फिल्म पर जो है मेरा ये धर्मादेश है कि कोई भी जो है पठान फिल्म को नहीं देखेगा और ये तीनों खान किसी भी फिल्म में, चाहे कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो, उसका हम लोग जो है बायकॉट करेंगे और साथ ही साथ में विधिक कार्रवाई के साथ साथ अब हिंदू जनमानस जाग चुका है, जहाँ कहीं भी अगर ये फिल्म लगेगी উস জো হয় তো সিনেমা ঘর কো ভি হাম লোগ জলায়েঙ্গে। ভোপালের দৃশ্য। বজরং দলের ফালর পরা পাঠান ছবির বিরোধিতা করা হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রতে শাহরুখ খান অভিনীত পাঠান চলিবলৈ দিয়া নহব বলে সকিয়াই দিছে বজরং দলে। হিন্দু সমাজ কা অপমান করা, হামারে মানব হিন্দু কো ঠেস পৌঁছানা, সতানন সনাতন পরম্পরাও কো মাননে ওয়ালে অপমানিত হো, इस हेतु ये पठान मूवी के अंदर इस प्रकार के चित्रण दिखाए गए हैं। हिंदू समाज का बार बार अपमान करने से इनको पता है कि जब हम अपमान करेंगे तो हमारा विरोध होगा, विरोध होगा तो हमारी फिल्म की प्रचार प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए इतनी गंदी मानसिकता लिए हुए इस फिल्म का प्रस्तुतिकरण इन्होंने करा है और बजरंग दल ये मांग करता है केंद्र सरकार से केवल वो सीन, वो शॉट नहीं हटाए जाएं, वो गाना नहीं हटाया जाए, पूरी पिक्चर को ही बैन कर दिया जाए, जिससे आने वाले और निर्माता और निर्देशक ये समझ लें कि हिंदू समाज के अपमान करने से क्या नुकसान हो सकता है। बजरंग दल ने तय किया है भोपाल के अंदर इस मूवी को नहीं लगने देंगे इन फिल्म के दृश्यों के साथ में। সাংসদেও মাত মাতিলে দীপিকার গেরুয়া পোশাকের বিরুদ্ধে। গেরুয়া পিঁধি ভারতীয় সংস্কৃতিক অপমান করেছে দীপিকায়। ষড়যন্ত্র করতে হ্যাঁ, কিন্তু ভারত কি সংস্কৃতি সে হর ইয়ে কুছ লোক কুছ ধর্ম কে ঠেকেদার ডরতে হ্যাঁ ওর তভি জানবুঝ কর ভারত কে সংস্কৃতি কো অপমানিত করনে কা কার্য করতে হ্যাঁ। এসে দৃশ্য জিসমে ভারত কে লোগো কো আপত্তি হ্যায়, লোগো কো আপত্তি তো হামারা দায়িত্ব বনতা হ্যায় কি জনপ্রতিনিধি হোতে কে নাতে হাম উনকি বাত কো সমঝ কর উনকি বাত কো আপনি বাত কহ কর ऐसे दृश्यों को हटाने की मांग करेंगे कि ऐसे दृश्यों को हटाकर और फिल्म को प्रकाशित किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रंग का गैर वापर अगर वो पिक्चर में किया और हमारे देश के लोगों के भावनाओं को कहीं ठेस लगी है तो मुझे लगता है सेंसर ने पहले उसे देखना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसा मन दुखाने लायक कोई चीज़ है तो उसे एडिट करके फिर ही करना चाहिए। बॉयकॉट कोई भी चीज़ को, पिक्चर को या कोई भी चीज़ को, क्योंकि इट इज़ अ फाइनेंशियली सपोर्ट जो हमारे देश को उसके इंडस्ट्री के द्वारा मिलता है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक और कहीं पर भी हमारी भावनाएं दुखती हैं तो सेंसर ने उसे देखकर एडिट करके फिर ही उसे रिलीज करना चाहिए। असल होते दीपिका पाड़ुकन और शाहरुख खान सोशल मीडिया विभिन्न जनों आक्रमण लक्ष्य हो पड़े। जे एन ओत संघटित घटनार पिछत दीपिका पाड़ुकनर आगमन इतना दीपिकार बाबे विपदर कारण हो पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़।